तो आज इस वाले केज की सफाई करनी है और सारे बर्ड्स इसमें के इसमें चले जाएंगे, यानी कबूतर, बजीस, फिंच और कोयल सब एक साथ कुछ देर के लिए रहेंगे। तो आइए चलते हैं, खोलते हैं इन सबों को एक साथ इसमें, देखते हैं क्या होता है और साफ सफाई भी हो जाए, क्योंकि अभी तक साफ नहीं हुआ था इस वजह से, क्योंकि ठंड का दिन था इस वजह से साफ नहीं किया जा रहा था। और फिंचेस जो तो ज़मीन पर रहती थी और ज़मीन पर पूरे बिछे हुए हैं, नारियल के जो बाल होते हैं कॉयर, उसके उस पर बैठती थी, अभी भी बैठी हैं। तो अभी क्या है, इनके लिए अलग केज बन गया है, बन क्या गया जीज वाला केज ऊपर ले आया गया है ताकि मस्त धूप भी लगे, उसी हिसाब से डायरेक्शन में रखा गया है कि ठंड में जो धूप इधर से नॉर्थ की तरफ से होती है, सॉरी साउथ की तरफ से, वो पूरा लगे। और अभी देख रहे हो पूरा धूप दोपहर तक तो लगेगा ही, उसके बाद थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो सारा सेटअप बना दिया गया है और एक दो दिन में इनके मटकी वटकी भी लग जाएंगे। इसमें बजीज ब्रीडिंग कर रही है और दो दो मटकियों में लेके बैठी भी हैं, करीब 4 या 6 अंडे हैं अभी। तो इसलिए जो तो फिंच को अलग किया जा रहा है ताकि बाकी बजीज भी अंडे बच्चे पे सही से जोड़ लगा ले और अंडे बच्चे करने लगे। हालांकि अभी अंडे बच्चे पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है क्योंकि ठंड का दिन है, ऐसे भी जो तो अब जो दे दिया है उसका कोई मसला नहीं है। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं। और ये दरवाजे खुल गए, एक आई वापस चली गई, ये है एक और आई, और आई वजीज भी आई। चारों सब एक ही फ्रेम में है। तो कबूतर, फिंच, कोयल, बजीज, एक ही फ्रेम में। फिंच और कबूतर तो आराम से रह लेंगे, बजीज थोड़ी सी काटने वाली होती है, इसी का दिक्कत है। और अपना सिलेटी कबूतर सभी को काट रहा है। बाकियों को भी बुलाओ। पिंच नहीं है, बाकी बाकी बजीज अंदर चली गई लग रहा है।
साफ सफाई हो गई, इतने छिलके निकले कांगनी के। वैसे कुछ एक्स्ट्रा छिलका हम लोगों ने रखा भी था पहले ही से, ताकि जो तो ज़मीन में बिछा रहे और ठंड ना लगे। और फिंचेस की मटकियाँ निकाली जा रही है, और हम लोगों को सिर्फ यही दो मटकी में जो तो अंडे दिख रहे थे बजीस के, बट एक अंडे इस वाले में भी है। और दो फीमेल कहीं से रेस्क्यू करके आई थी, और उसमें से एक फीमेल जो तो उसमें बैठती थी, उसमें भी तीन चार अंडे थे। एक अंडे ख़राब है, तीन अंडे है उसमें, एक फर्टाइल है, अभी दो अनफर्टाइल है। मे भी हो सकता है दो तीन दिन में फर्टाइल हो सकते हैं। और फिंचेस ने काफ़ी अंडे दिए थे, इधर उधर टूट रहे थे खाली। ये बहुत एग्रेसिव है, देख रहे हो सबसे ज़्यादा आवाज़ें इसी की आ रही है। और अभी छुआ गया, इस वजह से ये जो तो अलर्ट हो गई है, अंदर नहीं जा रही है। ये गई अब, और ये पिंच वाले मटकी में इसने अंडा दिया है। ऑलरेडी इतनी सारी मटकियाँ बड़ी वाली लगी हुई थी, बट उसमें नहीं दिया इसने, पिंच वाला ही इसे कंफर्टेबल लग रहा था। क्योंकि जहाँ पर ये रहती थी वहाँ छोटी सी मटकी में जो तो दो फीमेल रहती थी, और आपस में लड़ती थी और अंडे भी देती थी, लेकिन बच्चे नहीं निकलते थे। तो उन्होंने क्या है, एकदम काफ़ी मरियल हालत हो गई थी लड़ लड़ के, तो उन्होंने दे दिया हम लोगों को। और यहाँ आके जो तो मस्त हो गई है, मैं दिखाता हूँ। ये इसकी दूसरे साइड की आँखें, पलकें, सब नाक आधे आधे सब नुच गए थे, ख़राब हो गए थे, और अब तो ये काफ़ी अच्छी हो गई है माशाल्लाह। दूसरे साइड से ये पलटी नहीं रही है, ये उतनी एग्रेसिव नहीं है, ये वाली बहुत एग्रेसिव है। खून खराबा एकदम ज़बरदस्त, मतलब दरबे खोल के उसने बाहर भी रख दिया था, फिर भी नहीं उड़ रही थी, चल तक नहीं रही थी, एकदम मरियल हालत हो गई थी। ये देखो अब देखो, दोनों तरफ की आंखें एकदम मस्त हो गई हैं। स्टार्टिंग में मैंने वीडियो नहीं बनाया, अगर वीडियो बनाया होता तो कंपेयर करके दिखा देता। ये देखो यही दोनों हैं, ये है और ये है, ज़बरदस्त लड़ती हैं दोनों आपस में। मतलब जब आई थी तो इतना था कि मतलब उछल नहीं पा रही थी, डंडे नहीं चढ़ पा रही थी नीचे वाले। अब आलम ये है कि एकदम टॉप पर बैठती हैं, एकदम ऊपर। सब सेट हो गया, परचेज जहाँ जहाँ करने थे सब हो गए। अब जो तो फिंच को पकड़ने की बारी है, 10 फिंचेस बची हैं, दो मर चुकी हैं। तो इसमें सिर्फ बजीज बची, अब बजीज अलग और फिंच अलग रहेंगी, 13 बजीज और 10 फिंच। सब काफ़ी डर गए हैं, और 10 फिंच अपने नए घर में चलेंगे। तो मटकी हम लोग बाद में लगाने वाले थे, लेकिन आज ही लगा दिया जाएगा, क्योंकि बाद में क्या है, बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको खोलना और फिर लगाना, कपड़े लगाओ, ये करो वो करो, ताकि कहीं निकल ना जाए फिंच। तो इसीलिए हम लोग आज ही लगा दे रहे हैं, सारे लफड़े ही ख़त्म। पहले लगा देंगे मटकी, उसके बाद इन लोगों को रखेंगे अंदर। और 5 मेल 5 फीमेल बची हैं, तो मच्छी वच्छी लग गई हैं। दस हैं तो 5 मटकियाँ लगा दी गई है, और बल्ब भी लगा दिया गया 10 वाट वाले, रात में और सुबह में एक एक दो दो घंटे जल जाते हैं। रात भर लगा के जला के नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि
उजाला रहेगा तो ये जागते रहेंगे, और फिर होता क्या है रात भर जागते हैं और दिन में सोते हैं और सुस्त बने रहेंगे, ऐसा लगेगा कि बीमार है। तो आराम करने को भी इन लोगों को चाहिए होता है, तो इसलिए कुछ कुछ देर सिर्फ सुबह और रात में जल जाते हैं ताकि टेम्परेचर भी मेंटेन रहे और इन लोगों को ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी ना हो, ताकि और रात भर ये लोग आराम भी कर सकें। तो मछली लगा दी गई है, अब इन लोगों के नए घर में छोड़ने का टाइम आ गया है। इन लोगों के लिए तो नया ही है, केज पुराना ज़रूर है लेकिन इन लोगों के लिए नया ही है, और एक नई जगह, एक नया कॉर्नर, नया एक्सपीरियंस होगा इन लोगों के लिए। एक केज से दूसरे केज में ट्रांसफ़र करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, दरवाजे के आसपास से कहीं से निकल ना जाए। अब ये लोग आराम से रहेंगी, पहले बजीज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था इन लोगों को। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय एंड खुदा हाफ़िज़।